I am going to ask you the question. Continue with the assertion reasons. उससे पहले ये दो क्वेश्चन हैं आपके सीक्वेंसिंग वाले, गितेश सीक्वेंसिंग एटीजीसी वाले, पहले हम वो वाले कर लेते हैं एंड यू गिव मी द आंसर्स फॉर दोस, राइट? एंड आफ्टर दैट वी विल कम टू द असर्शन रीजंस टुडे फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट? एंड मंडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, प्रीवियस चैप्टर ऑफ दिस, राइट? ओके, सो इफ द सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, नाउ गितेश यू विल बी गिविंग मी द आंसर फॉर दिस, ठीक है? इफ द सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस of the coding strand is 5-ATGAATG 3-, then the sequence of the bases in its RNA transcript would be, batao, this is the sequence on the coding strand and then the RNA transcript will have what sequence? Yes, Varun Harsimer, if you know the answer. हाँ जी, ए की जगह यू आ जाएगा, वेरी राइट. सो द सीक्वेंस इन दैट विल बी, ए की जगह पे टी के साथ बाइंड करना है, सॉरी, टी की जगह ए आना था, हाँ ए टी जी सी होता है ना, तो यहाँ पे टी आना था, यू आ जाएगा, ठीक है? ए के साथ यू यू आ जाएगा और टी की जगह पे ए आ जाएगा, जी की जगह पे सी आ जाएगा. सो दिस इज सी, ठीक है? ये कैसे हुआ बताओ, नहीं मैंने उल्टा कर दिया, लिसन, रुको रुको, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, बाकी सारा सेम होगा, सिर्फ टी की जगह पे यू आएगा, ए की जगह क्यों आएगा, हाँ ये बाकी सेम होगा, टी की जगह पे यू आ जाएगा, ये आएगा सिर्फ टी की जगह पे तो यू बनेगा ना, कोडिंग स्ट्रैंड है ये, यही तो तुमने मेरे को कंफ्यूज कर दी, यहाँ प्रमोटर है, यहाँ पे टर्मिनेटर है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है ना, मैंने क्या कहा था, ये टेम्पलेट है, नीचे वाला कोडिंग है, तो टेम्पलेट का उल्टा चलेगा, कोडिंग का तो सेम होगा ना. ये देखो एक चीज है, ये देखो इधर, लिसन, यहाँ पे आपका सीक्वेंस है, लेट्स से जी टी सी, ठीक है? कोडिंग में सीक्वेंस क्या आएगा, कोडिंग डीएनए है, ये कला डीएनए, डीएनए में बोलो जी के साथ क्या बाइंड करता है, सी, टी के साथ ए, सी के साथ जी, ये आ गया, ठीक है? अब जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यहां से बनेगी वो किसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, टेम्पलेट की ना, ठीक है? अब यहाँ पे सीक्वेंस क्या आएगा ट्रांसक्रिप्ट पे, जी का कॉम्प्लीमेंट्री, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी आया, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, ए सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, तो सी ए जी, सी ए जी आया नहीं, सुनो मेरी बात, पहले ये क्लियर हुआ, ठीक है? मतलब क्या है कि टेम्पलेट का नीचे वाला कोडिंग है, टेम्पलेट का हमेशा आपने कॉम्प्लीमेंट्री उठाना है, ठीक है? ये इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें दिया, तुम्हारे पास ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, टेम्पलेट का हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड लेना, टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लेना, ठीक है? कोडिंग का सेम सीक्वेंस ले देना, कोडिंग में सेम ले लेना, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम हो गए ना, सी ए जी, सी ए जी, ट्रांसक्रिप्ट पे कौन सा आ रहा है, सी ए जी, कोडिंग में कौन सा है, सी ए जी, ये दोनों सेम है ना, तो कोडिंग अगर गिवन है तो हम सेम लेंगे, ये मुझे कोडिंग गिवन था तो मैंने सेम लिया, पर अब बात यहाँ आती है इस टी और यू की पेयरिंग की, क्योंकि अब हम सिंथेसाइज कर रहे हैं आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, यही तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है, हाँ वही तो आरएनए ही है, हाँ ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए ही बनेगी ना, तभी तो बाद में इसकी जो फॉर्मेशन है वो जो हमने बोला था कि इसमें चेंजेस आ जाती हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस आती हैं जिससे एमआरएनए टीआरएनए स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, होते तो वो आरएनए, हाँ तो वो होते तो आरएनए है ना, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, प्राइमरी मतलब फर्स्ट फॉर्म आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंसिंग, तो टेम्पलेट से जो कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंसिंग बनी है उससे हमारे पास, क्योंकि आरएनए बना रहे हो, आरएनए में थाइमिन नहीं होता, यूरासिल होता, ठीक है? बाकी सब कुछ सेम है, हमने एंटी नहीं बनाया, कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाया, सब सेम निकाल दिया, सिर्फ टी की जगह पे आपने यू डाल देना है, यूरासिस, हुआ क्लियर के अभी भी डाउट है? वरुण, ये तो उसने डीएनए का स्ट्रैंड दिया ना, कोडिंग स्ट्रैंड की ये सीक्वेंसिंग, ठीक है? कोडिंग में उसने बोला कि ये सीक्वेंस है, आप बताओ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट क्या होगा, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट विल बी एयूजी एएयूजी, सिर्फ हाँ उल्टा हो जाता,
हाँ टी की जगह यू, यानी कि अगर मैं अगर ये देखो ये कोडिंग है, ये कोडिंग है ना, ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, दिस इज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट राइट। अगर ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है तो इसमें से आपको मैं क्वेश्चन में देती हूँ कि आपको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ, अब इसका टेम्पलेट बनाओ, बनाओ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मैंने दे दिया, अब इसका टेम्पलेट बनाओ, ये गिवन है तुम्हें, सिर्फ ये गिवन है, टेम्पलेट बनाओ। ठीक है, अब इसका उल्टा देखो, टी का उल्टा ए, ए का उल्टा टी, सी का जी, टी का ए, ए से टी, सी से जी, बिल्कुल सही। हाँ 3-5-, हाँ जी ये क्लियर हुआ। ये कौन सा स्टैंड बनाया अब हमने, टेम्पलेट, टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है, तो दिस इज टेम्पलेट स्टैंड डन। टेम्प नहीं, क्योंकि टेम्पलेट डीएनए का है, टेम्पलेट डीएनए में मैंने आपको ये बताया भी था, कॉपी में भी लिखा था, एटीजीसी होते हैं डीएनए में, आरएनए में एयूजीसी होता है, सॉरी एयूजीसी, टी की जगह पे यू आएगा बस और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ टी की जगह यू आता है आरएनए में। ए की जगह यू कब आएगा, ए की जगह यू क्यों आएगा, जब वो उसका पेयरिंग करोगे आप, ए की जगह यू, ए जब बाइंडिंग करेगा टी के साथ तो टी की जगह पे यू आएगा। हाँ तो यहाँ पे है ना, अगर आपको ये दे दिया हमने सीक्वेंस, ठीक है, अब इसका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट निकालो तो क्या आएगा, हाँ बोलो, अब ये तुम्हें सीक्वेंस दे दिया, अब इसका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या है, अब आ गया यू, ए की जगह यू, यही है ना इसका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, तो यही है, टी की जगह ए, ए की जगह यू, सी की जगह सी के साथ जी, अब उल्टा कर रहे हैं, समझ आया डन। ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा एक आधा पेपर में, और आपकी बुक में भी एक इसके दो सीक्वेंस लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, वो जरूर कर लेंगे, कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट बताना चाहिए, टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री जाएगा और कोडिंग का सेम जाएगा, डीएनए में एटीजीसी रखने हैं आपने और आरएनए में एयूजीसी लिखना, ठीक है। एक और सीक्वेंस है, व्हाट वुड बी द बेस सीक्वेंस ऑफ द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑब्टेंड फ्रॉम द गिवन डीएनए सेगमेंट, द डीएनए सेगमेंट दे हैव गिवन टू अस एंड नाउ यू विल बी राइटिंग द सॉरी दिस इज 5-GCATTCGGCGCATTCGG then CTAGTAAC, ये इसने लिखा है कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए दैट इज 3-5, इट इज CGTAA GCC GATT CATTG, ये नॉन कोडिंग स्टैंड है, ये कोडिंग स्टैंड है, ऑब्वियस है। हाँ हाँ जी, ये बताइए व्हाट वुड बी द बेस सीक्वेंस ऑफ द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, क्या आएगा, क्यों क्यों टेम्पलेट है, टेम्पलेट वाला क्यों बता रहे हो, सी जी ए यू यू, टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री बताना है, इसका सेम बताना है, तुमने सी जी बोला, हाँ ए क्यों ए, हाँ बिल्कुल, यहाँ यहाँ पे टी की जगह यू यू आ जाएंगे और बाकी सारा सेम। ये है आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनाया है, आसान है कि कोडिंग स्टैंड की जगह, कोडिंग स्टैंड में टीटी की जगह यू यू कर दो, ठीक है, और अगर आपको ये गिवन है तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है। अब मैं सीक्वेंस आंसर से बोल देती हूँ, जी सी ए यू यू सी जी जी सी यू ए जी यू ए ए सी, ठीक है, समझ आया कितेश वरुण, नहीं वो भी तो है ना, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं ना, अगर वो 5-3 से बन रहा है यानी टेम्पलेट से,
वो तो होंगे ही ना, वो तो उसने सिंथेसाइज करने है, तभी तो हम उसकी एंड में बोलते हैं वो टेलिंग और कैपिंग होती है। सिर्फ टीज की जगह पे आपने यूज कर देना, ठीक है। चलो सीक्वेंसिंग वाले तो यही है हमारे पास। टेबल्स में दिया हुआ है, टेबल मैचिंग कर लो फटाफट। इन कॉलम वन देयर इज यू 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 जी 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 यू सी यू सी 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 एंड ए यू जी एंड इन द कॉलम टू देयर इज सीरीन मिथियोनिन फिनाइल एलेनिन ग्लाइसिन एंड प्रोलीन। मैच करो इनको, ये ट्रिपलेट कोडोन्स हैं, ये ट्रिपलेट कोडोन्स हैं। डीएनए जो होता है ना आपका पूरा, जैसे ये है ना, ये डीएनए। अब यहाँ पे ट्रिपलेट ट्रिपलेट यानी कि तीन तीन इकट्ठे ऐसे रीड किए जाएंगे और ये अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करते हैं। फर्स्ट अमीनो एसिड इसने सिंथेसाइज किया, इनका कोड होता है, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोडोन। क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोडोन, जेनेटिक कोडोन या ट्रिपलेट कोडोन। ट्रिपलेट मतलब तीन चीजें आएंगी एक पेयर में, ठीक है। अब यहां से एक अमीनो एसिड सिंथेसाइज हुआ, इससे दूसरा, ऐसे तीसरा, फिर चौथा, ऐसे आगे आगे चेन में। तो ये प्रोटीन्स जो हैं, ये अमीनो एसिड जो हैं, ये बाइंड करते जाएंगे आपस में, फिर ये बनाएंगे एक प्रोटीन, प्रोटीन का मॉलिक्यूल। वो ट्रांसलेशन से है ना, पढ़ा था वहां पे टीआरएनए जो होता है वो एक्टिव अमीनो एसिड को उठा के लेके जाता है, चार्ज अमीनो एसिड को, चार्ज टीआरएनए बन जाता है और वहां जाके वो अपनी चेन इलोंगेट करता है। अमीनो एसिड से अमीनो एसिड बॉन्ड होता है और वो चेन इलोंगेट होता है, ठीक है। सो दैट इज ट्रांसलेशन प्रोसेस। अमीनो एसिड्स के ये ट्रिपलेट कोडोन्स जो हैं, ये आपको सारे तो नहीं लेकिन कुछ एक तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जो कॉमन वंस हैं वो याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। जैसे स्टॉप कोडोन्स हैं, स्टार्ट कोडोन्स हैं, वो तो याद ही रखने। एयूजी एक स्टार्ट कोडोन है और साथ में ये कोड स्टार्ट, स्टार्ट मतलब जो मैंने अभी बनाया था ना प्रोमोटर, प्रोमोटर क्या है? जो प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। टर्मिनेटर कौन है? जो प्रोसेस को रोकेगा, स्टॉप करेगा। तो ये कोडोन्स हैं, जैसे एयूजी है, ये स्टार्ट में भी हेल्प करता है, मिथियोनिन को भी कोड करता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सो दिस इज एयूजी दैट कोड्स फॉर मिथियोनिन। और कोई आइडिया है किसी का? हाँ जी, यू 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 स्टैंड फॉर फिनाइल एलेनिन। देन लिख लो ये वाले जो सिक्वेंसेस है हमारे पास, बी इज जी 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 इज फॉर ग्लाइसिन, यू सी यू दैट इज फॉर सीरीन एंड सी 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 प्रोलिन। सी 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 इज प्रोलिन, ठीक है। तो ये सिक्वेंसेस हैं कुछ, ये याद कर लो। डन, लिख लो ट्रिपल यू, ट्रिपल जी, ट्रिपल सी, इनके तो पता होने चाहिए, प्लस ए यू जी और यू सी यू। डन, कहते क्या, ये इनके अमीनो एसिड्स के नाम है, ये ट्रिपलेट कोडोन्स है, ठीक है। और एक आपने उधर से भी किया था, जी ए जी किसका होता है? सिकल सेल एनीमिया में जी ए जी, पहले जी ए जी होता है, फिर वो जी यू जी बन जाता है, ये पढ़ा नहीं सिकल सेल में? हाँ, तो क्या होता है जी ए जी? हाँ, बीटा चेन में सिक्स पोजीशन पे ए की जगह यू आ गया, पर ये जी ए जी किसको कोड कर रहा था, कौन सी अमीनो एसिड को? दिस कोड्स फॉर ये ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड है जी ए जी, बाद में वो वैलिन बन जाता है। क्या है बॉडी में, क्या है ये? एक आपका हीमोग्लोबिन का एक सीक्वेंस है ना, पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन चेन है, उसके अंदर ये नॉर्मल चेन के अंदर ये जी ए जी एक सिंथेसाइज हो रही है। कहने का मतलब क्या है, मैंने अभी क्या बताया आपको, अमीनो एसिड सिंथेसाइज होते हैं ना 1 2 3 4, है ना।
अब ये जैसे एक इंसुलिन है, इंसुलिन का मॉलिक्यूल क्या है, इट इज हैविंग 51 अमाइनो एसिड्स। एक मॉलिक्यूल इंसुलिन का 51 अमाइनो एसिड्स का बना है। एक चेन में 21 अमीनो एसिड होते हैं, दूसरी में 30, और ये दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, समझे? ठीक है, पर ये एक मॉलिक्यूल है। पर मैंने क्या बोला, इसके अंदर एक इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड्स ऑर्गेनाइज है। ऐसे ही हीमोग्लोबिन की चार चेन्स हैं, दो अल्फा दो बीटा, वो उसका एक परमानेंट स्ट्रक्चर है। अगर तो वो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की फॉर्म में सीक्वेंस्ड होगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर में अगर वो सीक्वेंस्ड होगा तो वो नॉर्मल फंक्शनिंग करेगी। जैसे ये कंडीशन नॉर्मल है। ग्लूटामिक एसिड हमारे को हमारे हीमोग्लोबिन में एक कंपोनेंट था जो चाहिए था, पर हुआ क्या कि कंपोनेंट यहाँ पे डिस्टॉर्ड हो गया। एक उसका सिंगल जो साइट है वो डिस्टॉर्ड हो गया, एक ही जगह पे वहां पे आ गया यू। इसका स्ट्रक्चर बना जब भी, तो वहां पे डीएनए के अंदर एडीनाइन की बजाय यूरासिल क्रिएट हो गया। उसने तो अपना अमीनो एसिड ही बदल दिया, कहने को तो सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस ही चेंज हुआ है ना, पर पूरा का पूरा अमीनो एसिड बदल गया। उससे उसकी नेचर डिस्टॉर्ड हो गई। पहले जो हमारे आरबीसी को एक नॉर्मल डिस्क शेप प्रोवाइड कर रही थी, है ना, वो हमारी एक प्रोटीन ही थी ना। प्रोटीन क्या होती है, जो हमें करेक्टर्स देती है। ठीक है, अगर हमारा हेयर कलर ब्राउन है या ब्लैक है, वो कोई करेक्टर है, तो वो करेक्टर किसकी वजह से है, प्रोटीन्स की वजह से। प्रोटीन्स किसकी वजह से है, अमीनो एसिड्स की चेन की वजह से, और ये चेन का पार्ट है, ये हमारे हीमोग्लोबिन का, हाँ ये हमारी हीमोग्लोबिन के चेन का पार्ट है। अब वहां बनना चाहिए था, छठी पोजीशन पे ए आना चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए, पर वो नहीं बना, वैलिन बन गया उसकी जगह, यू आ गया। सिर्फ ए की जगह यू आया और वैलिन तैयार हो गया, अमीनो एसिड ही बदल गया। अमीनो एसिड के बदलने पे एक नॉर्मल शेप हमारे आरबीसी की ऐसी होती, पर वैलिन ने क्या किया, आके उसकी जो शेप है उसको डिस्टॉर्ट कर दिया, सिकल शेप बना दिया ऐसा। ठीक है, देखो सारे के सारे हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट तो है नाइट्रोजनस बेसिस, कुछ आरएनए को चाहिए, कुछ डीएनए को चाहिए। अब उनको थोड़ा ना पता कि हमारे पास क्या चाहिए था, वो तो केमिकल बॉन्डिंग्स हैं, है ना। अब वहां पे आना चाहिए था टी, पर टी की जगह आ गया यू, समझ गए? मतलब कुछ भी ऐसी मिसमैचिंग हो जाती है। आप लोगों ने ये नहीं किया अपना रेप्लीकेशन प्रोसेस नहीं पढ़ा अगर पूरा, उसमें लास्ट में लिखते हैं प्रूफ रीडिंग होता है, लास्ट स्टेप आता है, सेवेंथ स्टेप। अपना पूरा रेप्लिकेशन के जो मैंने स्टेप सिखवाए ना आपको, उसको स्टेप वाइज सिखवाया। आपकी बुक में एक पैराग्राफ है सीधा का सीधा, आपको मैंने स्टेप्स में करवाया था। ठीक है, वो स्टेप्स अगर तुम पढ़ोगे तो उसमें लास्ट में एक स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग क्या होती है, डीएनए पूरा सिंथेसाइज हो गया, बैकवर्ड में मशीनरी पूरी एक जाएगी हमारी जो इसको चेक करेगी, और जहां ए के साथ ए बाइंड हो गया, क्योंकि नेचर तो दोनों की सेम है, ए के साथ ए बाइंड हो गया। अब डीएनए की मशीनरी को नहीं पता कि ए किधर होना चाहिए था, लेफ्ट वाले स्ट्रैंड में होना चाहिए था कि राइट वाले में, समझ गए? अब सपोज अगर लेफ्ट वाले स्ट्रैंड में ए चाहिए था और राइट में उसको कॉम्प्लीमेंट्री टी चाहिए था, है ना, उसने क्या किया, उसने उल्टा कर दिया। टी करना था चेंज राइट में, पर कर दिया लेफ्ट में, तो सीक्वेंस तो चेंज हो गया, है ना। वो प्रूफ रीडिंग करती क्या, अपने आप में क्या करती है, कोई भी दो प्यूरिन्स ना मैच हो जाए, कोई भी दो पिरिमिडिन्स ना मैच हो जाए, स्ट्रक्चर्स हैं वो तो केमिकल्स हैं, वो तो अपने आप जहां पे भी मर्जी बॉन्ड कर जाएंगे, लेकिन उनको केमिकल्स, फिर से ऐसे कुछ केमिकल्स जो रन करते हैं क्रॉस द लेंथ ऑफ द डीएनए टू चेक कि वो सही मैचिंग हुई है कि नहीं। समझ आया? सी प्रोलीन है, यू फिनाइलएलानिन, ये तो पक्का याद कर लो, फिनाइलएलानिन, वैलिन, ग्लूटामिक एसिड, मेथियोनिन, ये तो पक्के याद कर लो। फिनाइलएलानिन के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, बाकी ये ग्लाइसिन प्रोलिन सेरिन अगर बुक में आ गए हमारे पास तो देख लो, नहीं तो वैसे आप जितने याद कर पाओ बिकॉज। और दूसरी एक चीज यहाँ पे क्या है कि कई बार आपको आंसर्स जो ऑप्शंस होती है ना वो भी हिंट दे देती है। जैसे सपोजिंग अब यहाँ पे अगर आपको सिर्फ एक मिथ्योनिन का पता होता है ना, तो कोई एक भी आप कॉमनली यूज वालों में से पता होंगे ना, कोई एक या दो भी पता होंगे, आप मैचिंग कर लोगे, क्योंकि आंसर्स आपको हिंट देते हैं। आंसर्स जो एमसीक्यूज में आते हैं ना वो भी थोड़ा बहुत हिंट दे देते हैं। बट आई एम नॉट सेइंग कि सारा छोड़ दो और कुछ भी मत याद करो, पर यहाँ पे मैं कहूंगी कि कुछ मेन वाले तो पक्का याद कर लो। जैसे ये सिकल सेल के ही दो थे हमारे पास, सिकल सेल अनीमिया प्रॉब्लम के, तो वहां से भी ये क्वेश्चन में आ सकते थे, बट आप लोगों को नहीं आते हैं तो दैट इज अ प्रॉब्लम है। ओके, द ह्यूमन क्रोमोसोम विद द हाईएस्ट एंड द लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स, ये तो सब्जेक्टिव में भी बहुत बड़ी आया है। बताओ हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स किसमें होते हैं और लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स किसमें होते हैं?
बोलो और ये लिख भी लो, द क्रोमोसोम लिखो, ये HGP में बताया हुआ है ये पॉइंट्स, हाईलाइट करके प्रॉपर एक तो बुक पकड़ी है तो उसमें मार्क कर लो, निकालो वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हाँ ये HGP, ये वाले पॉइंट्स पीछे पीछे, ये तो इसके गोल्स है ना, आगे देखो इसके फीचर्स है, अगला पेज खोलो, अगला पेज, नेक्स्ट पेज, सेलियंट फीचर्स ये वाले। हाँ इसको पूरा प्रॉपर 3 4 5 स्टार लगा दो, ये सारे अच्छे से पढ़ने हैं, इनमें से क्वेश्चन पक्का आना है HGP से, ठीक है। HGP, सेलियंट फीचर्स जो दिए हैं इसके, इनमें से क्वेश्चन पक्का आना है। यहीं पे लास्ट पॉइंट मेरे ख्याल से लिखा होगा, ह्यूमन क्रोमोसोम विद द हाईएस्ट एंड द लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स किसमें, वन में, हाउ मेनी, 2968, लेकिन लीस्ट नंबर किसमें होते हैं, वाई में, सिर्फ 231 जीन्स। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव के टाइम पे भी बहुत बार ही आया है, ठीक है, ये वाले MCQs में तो आएगा, है ना। तो ये बेटा ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HGP से क्वेश्चन पक्का आना है, DNA प्रोफाइलिंग से क्वेश्चन पक्का आना है, वो जो नेक्स्ट है आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग, फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन उसके रिलेशन में जरूर आना है। फिंगरप्रिंटिंग का जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था उसमें उसने बोला कि कल्प्रेट कौन है इनमें से, सैंपल्स लिए उसने 4 5, और जो क्वेश्चन आया था मैं वो भी बता देती हूँ आपको, सैंपल पेपर में ऐसा करके कुछ एक क्वेश्चन पक्का आएगा। लिसन, हाँ जी लिसन, ऑन द साइट ऑफ द क्राइम देयर वॉज अ सैंपल विच इज ऑब्टेन्ड, लेट्स से हेयर सैंपल या ब्लड स्मेयर या कुछ भी, है ना, दैट वॉज ऑब्टेन्ड, और उसकी DNA फिंगरप्रिंटिंग करी, तो हमारे पास लास्ट में एक पूरा पैटर्न बन जाता है, जो DNA फ्रेगमेंट्स होते हैं ना वो पूरा इसका प्रोसेस है, एक पूरा का पूरा वो प्रोसेस चलाने के बाद इसकी वीडियो सारी बनी हुई है, आप पुरानी वीडियोस देखनी शुरू करो अगर आपको ये टॉपिक्स नहीं आते, और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे आपको ये एक्स्ट्रा क्लासेस में भी हम करवाएंगे, बट अगेन दैट वॉन्ट बी लाइक इन दैट डिटेल्स, है ना, बिकॉज वी हैव जस्ट अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर योर एग्जाम्स, सो आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, घर पे वीडियोस देख के आओ इनकी। ये पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद क्या होता है, DNA जो होते हैं ना वो एक्स्ट्रा डिफ्रैक्शन है, हम इनको चेक करते हैं, एंड में बैंड्स दे देते हैं कुछ इस तरह, ठीक है, जो हमारा कल्प्रिट जो भी होगा उसके ये बैंड्स मैच करते पड़े नजर आएंगे कुछ ऐसे, ठीक है, कितने भी DNAs हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे बैंड्स, ठीक है, फिर ये जगह खाली रहेगी, फिर यहाँ पे ऐसे बैंड आ गया, एक आ गया, कुछ ऐसा, ठीक है, ये DNA के बैंड्स आ जाए, ठीक है, पिक्चर ऑब्टेन हो जाती है हमारे पास, एक फोटो ऑब्टेन हो जाती है कि ये हमें ऑन द साइट ऑफ क्राइम, क्राइम साइट पे हमें एक सैंपल मिला था, और उसका उस सैंपल का जो DNA हमने किया वो पूरा DNA फिंगरप्रिंट किया, तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। अब वो क्राइम के जो एक शक के घेरे में जो कल्प्रिट्स आते हैं, है ना, जिनको हम बोलते हैं कि शायद इन्होंने ना कुछ किया हो, जैसे भाई बहन हो गया कोई, किसी का अगर खून हो गया, मर्डर हो गया, तो उसके भाई बहन हो गए, उसके मम्मी पापा हो गए, या कुछ भी, है ना, तो वो सारे लोगों का सैंपल लिया, सबका DNA मैच करवाने के लिए सबका सैंपल लिया, दिस इज लेट से सैंपल नंबर वन, सैंपल नंबर टू, मदर से लिया सैंपल वन, फादर से लिया, ठीक है, सो दिस इज टू, ऐसे करके बहुत सारे सैंपल्स लिए, ठीक है। अब आपने वो वाला सैंपल चेक करना है जहां पे मैक्सिमम मैचिंग आ रही हो, जैसे ये यहाँ पे मैच है, यहाँ पे नहीं है, लेट से इधर इसने 2 मैचेस कर दिए, यहाँ पे इसने तीनों के 3 मैच कर दिए, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 1 मैच हो गया, तो यहाँ पे 4 में से 3 4 तो मैच हो ही गए, ये ऐसे, समझो मेरी बात, तो बेस्ट मैच यहाँ पे चल रहा है हमारा साथ साथ, ये चल रहा है ना, ये फादर मैच इतना नहीं कर रहा, DNA यहाँ पे ज्यादा मैच में नहीं आ रहा, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा मैचेस आ रहे हैं। अब आपका जो सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन था, सैंपल पेपर है सबके पास, मैं सेंड कर दूंगी आपको ग्रुप में, ठीक है, जो CBSE का सैंपल पेपर आया है उसको घर पे जरूर सॉल्व करो, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस भी हैं उसके अंदर, और बहुत ज्यादा थॉटफुल मतलब समझने वाले क्वेश्चंस भी हैं वहां पे, तो उनको अच्छे से टाइम स्पेंड करो, नहीं तो आपको लोगों को चीजें क्लियर नहीं होनी कि हम कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पे ये हमने मैचेस वहां पे भी ऐसे ही आया, 8 सैंपल्स थे, child 1 child 2, उधर दिया था क्वेश्चन शायद कि 2 पेरेंट्स हैं और उनका एक चाइल्ड क्लेम कर रहा है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पेरेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा चाइल्ड है, ठीक है, तो ऐसा कुछ हॉस्पिटल में 8 कुछ बच्चे थे और उनके सबके सैंपल्स ही है, अब बताइए कि उनका ओरिजिनल वाला चाइल्ड कौन सा है जिसके ज्यादा मैच करें, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, जब आपने मैचेस काउंट किया ना आपने गिन लेने हैं, जैसे ये 2 और 3, यहाँ पे 3 मैच हुए फिलहाल, है ना, फिर यहाँ पे कितने सारे मैच हो गए, 4, ये तो 4 ही है, 8 हो गए, है ना, ऐसे ही अगले वालों में देखना है, कहीं पे 3 कहीं पे 2 कहीं पे 1 होगा, राइट, और जहां हमारी ऑप्शन बेस्ट सूट कर गई वो हमारा करेक्ट मैच है,
मतलब जो सही में जो कि जिसने क्राइम किया है वो सैंपल नंबर 2 वाला पर्सन, ठीक है, जिसके साइट से हमारे को एग्जैक्ट मिल गए हैं कि ये सारे मैचेस आ रहे हैं, है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में से क्वेश्चन ऐसा कुछ आएगा, या फैमिली डिस्प्यूट से आएगा, फैमिली डिस्प्यूट वही कि जो पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं ऐसा वाला, ठीक है, और यहाँ ऐसा कुछ क्रिमिनल साइट का है, समझ गए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन जरूर आना है, और ये तुम्हारी एचजीपी से क्वेश्चन पक्का आने हैं, ठीक है। एवरीथिंग इन दिस जेनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स तो मतलब लेके चलो कि एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन, ठीक है। चलो एसर्शन रीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। एसर्शन, लिसन टू दिस, बी डी एन ए हैज अ कॉन्स्टेंट डायमीटर ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम्स, करेक्ट, ठीक है। रीजन, अ पिरिमिडीन ऑलवेज पेयर्स विद अ प्यूरीन, करेक्ट है, पिरिमिडीन ने प्यूरीन से ही करना है, लेकिन क्या ये उसकी विड्थ मेंटेन करने में भी काम आता है, विड्थ मेंटेन करने में काम आता है, क्योंकि हमने पहले सेंटेंस में ये बोला है कि कांस्टेंट डायमीटर है उसका 20 एंगस्ट्रॉम, तो क्या ये प्यूरिन और पिरिमिडीन की बॉन्डिंग की वजह से ही हो रहा है या कुछ और है? उसकी वजह से ही है। देखो, एक डीएनए हमारा स्ट्रैंड है, ये डीएनए है, अगर इधर पिरिमिडीन है, इधर प्यूरिन है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बीच में लगी, तो दूसरी तरफ भी पिरिमिडीन से प्यूरिन बॉन्ड हो रहा है, या प्यूरिन से पिरिमिडीन हो रहा है, बात तो वही है, विड्थ तो वही देंगे ना वो, तो ये हर टाइम एक बार प्यूरिन एक बार पिरिमिडीन इसी तरह बॉन्ड अप करेंगे, उस वजह से ही ये हमारा क्या है, पेयरिंग होगा, ठीक है, समझ आया। इसी की वजह से डायमीटर पॉसिबली बनेगा। सो दिस इज ए आंसर, एसर्शन रीजन, राइट। नाउ ऑन द नेक्स्ट वीक फ्राइडे यू विल बी गेटिंग एन असाइनमेंट इन द मेरिटोरियस ग्रुप टू सॉल्व, राइट। सो आई विल बी सेंडिंग ऑल 3 चैप्टर्स टुगेदर फॉर चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, 2, 3 एंड 4, ठीक है, टुगेदर। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।